हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज का। यहाँ और इस वर्कशीट की डेट है 9 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज जो हम डिस्कस करें चैप्टर 1 का रिसोर्सेज, उसकी आज हम वर्कशीट 5 डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज इस वर्कशीट को। वी हैव प्रीवियसली अंडरस्टूड एज टू व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच आर अबंडेंट इन नेचर। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज है जो कि नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। आल्सो देयर आर सम विच कैन बी यूज ओनली वंस। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज है जिन्हें हम केवल एक बार ही यूज कर सकते हैं। वी न्यू इट एज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिस्पेक्टिवली। तो उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं आगे। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। आओ आज हम इन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से बहुत जल्दी से बना सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। However, if we use some of these renewable resources like water, soil, air and forest carelessly, it will have an adverse effect on their deposit. लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर हम इन renewable resources को, जैसे कि water, soil, air और forest को, बेपरवाह रूप से अगर use करेंगे तो इनका क्या होगा, जो इनका deposit है, जो इनकी मात्रा है, उसकी जो मात्रा है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा कम हो सकती है। ठीक है, इनसफिशेंट वाटर एंड ड्राइंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर द मेजर इश्यूज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो है क्या कह रहा है कि इनसफिशेंट वाटर, जो पानी की पर्याप्त मात्रा न होना और जो पानी के जो स्रोत होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उनका सूख जाना, वो आज की पूरे विश्व में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सिमिलरली डिगिंग ऑफ टॉप सॉइल, इसी प्रकार जो मिट्टी है उसका बार बार खोदा जाना, एंड कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन, और जो हमारे पेड़ पौधे उनको काटा जाना, लीड टू रीअकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, विच पोजेज ए ग्रेट चैलेंज टू मैनकाइंड, जिसकी वजह से हम मनुष्य को बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें पढ़ा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, जिनको हम दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें एक और वर्ड आया था हमारे पास, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते, जो एक बार हम बना ले तो वो दोबारा से क्रिएट नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते, लेट्स फाइंड आउट एंड लिस्ट। इफ पोटेबल वाटर ऑन अर्थ गेट रिड्यूस, हाउ वुड इट अफेक्ट अवर लाइफ। ये कह रहा है कि अगर पोटेबल मतलब पीने योग्य पानी हमारी अर्थ से खत्म हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो हमारी लाइफ को ये कैसे अफेक्ट करेगा। तो इसका आंसर हमें देना है, इसमें आंसर है हमारे पास, इफ़ पोटेबल वाटर गेट्स रिड्यूस वी हैव टू सर्वाइव ऑन पोल्यूटेड वाटर। ठीक बात है, अगर पीने वाला जो पानी है वो खत्म हो जाएगा तो हमें किस पर जीवित रहना पड़ेगा, पोल्यूटेड वाटर पर। एंड दिस वाटर विल कॉज मैनी वाटर बोर्न डिशीजेस, और इस पोल्यूटेड वाटर से हमें बहुत सारी जो पानी से होने वाली बीमारी है वो हो जाएंगी, जैसे कि डायरिया। ठीक है बच्चों, ये बीमारी हमें पोल्यूटेड वाटर से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट एग्जॉस्टेड। ये कह रहे कि अगर क्या होगा अगर जो फॉरेस्ट हमारी धरती पर वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो इसका आंसर है, इफ ऑल फॉरेस्ट ऑन द अर्थ डिसअपीयर देन देयर विल बी नो ट्री। अगर जो फॉरेस्ट है वो खत्म हो जाए या बिल्कुल ही विनाश हो जाए उनका, तो क्या होगा, हमारी धरती पर कोई भी ट्री नहीं रहेगा। ट्री प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन दैट ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ ब्रीथ। जो ट्री होते हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन और जंगली जानवर जो है वो सांस ले पाते हैं।
विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव, और ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए क्या है फॉरेस्ट को सेव करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन ये भाग्य हमें पढ़ते हैं पैराग्राफ, एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, हर एक व्यक्ति रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। तो उसमें कुछ पॉइंट दिए गए जिस किस प्रकार आप जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको आप कंजर्व कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस राइट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट, इसमें कुछ पॉइंट हमें दिए गए हैं, कुछ इसमें ब्लैंक छोड़े गए हैं, तो जो मैंने डाल किए हुए इसमें ब्लैंक थे तो आपको खुद फिल करने हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ पॉइंट मैंने दिए गए, कुछ पॉइंट आपको अपने आप से लिखने हैं। तो पढ़ते इसमें कौन कौन से पॉइंट इसने दिए हुए, फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो फर्स्ट पॉइंट इसने दिया हुआ है बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड एंड वॉशिंग व्हीकल, ये कह रहा है कि जो पीने वाला पानी है उसको हम रोड को क्लीन करने में और व्हीकल को क्लीन करने में ना यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंजर्विंग वाटर वाइल डूइंग डेली चोर्स, बाथिंग वॉशिंग क्लोथ, जो हम रोजाना के काम करते हैं उसमें भी हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, जैसे कि हम नहाते टाइम और कपड़ों को धोते टाइम वाटर को कंजर्व कर ले, उसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। अब आगे तीन पॉइंट हमें खुद से लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इसमें क्लोज द टैप आफ्टर यूज, जब भी आपका काम खत्म हो जाए नलकी से तो उसको बंद कर दें। टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब भी आप दांतों पर ब्रश कर रहे हो तो उस दौरान बीच में आप जो टैप है वाटर उसको बंद कर दें। चेक फॉर लीक इन पाइप, टाइम टू टाइम अपनी जो पाइप है उसमें लीक को चेक करते रहें, कहीं लीक तो नहीं हो रहा, कहीं हमारा पानी जो है वेस्ट तो नहीं जा रहा, तो आप ये चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें करना है कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सोइल, कि हम किस प्रकार अपनी मिट्टी और धरती को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है बाय यूजिंग फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर ओनली, जो हमारे पास उपजाऊ भूमि है उसको सिर्फ खेती के लिए यूज करें, किसी और काम के लिए यूज ना करें। सेकेंड है बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्री ओनली ऑन बैरन लैंड, बैरन कहते हैं जिसपे कोई भी उपज नहीं उगती, तो ऐसी ही धरती पर हमें घर और फैक्ट्री बनानी चाहिए, उपजाऊ धरती पर हमें फैक्ट्री या होम नहीं बनानी चाहिए। नेक्स्ट है ये हमें खुद से लिखने हैं, जो डार किए हुए वो हमें आपको अपनी बख्शी में खुद से लिखने हैं। बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक, हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो मिट्टी में दबकर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को कम कर देती है। क्रॉप रोटेशन, कि हम बदल बदल कर क्रॉप को उगाना चाहिए। नेक्स्ट है प्लांटिंग ट्री इज ए मेथड ऑफ कंजर्विंग द सॉइल, आप बार बार पेड़ उगाएं और उससे भी क्या होता है सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एयर, आप एयर को कैसे बचा सकते हो, कैसे उसको उसकी जो क्वालिटी उसको इम्प्रूव या उसको सेम टू सेम रहने दे सकते हो। फर्स्ट हमारे पास बाय नॉट बर्निंग प्लास्टिक और वेस्ट प्रोडक्ट, हम प्लास्टिक और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको ना जलाकर भी एयर को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लांटिंग सैपलिंग एंड बाय नॉट प्लकिंग लीव्स, जो हमारे छोटे छोटे पेड़ पौधे उनको उगाकर और जो पत्ते हैं उनको ना तोड़कर भी हम एयर को प्योर कर सकते हैं, प्योर एयर को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये खुद से लिखना है रिसाइकल एंड बाय रिसाइकल प्रोडक्ट, हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जिनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकें, जैसे कि आप पेपर है उसको आप यूज करें, पेपर बैग को यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ईट लोकल एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, आप हमेशा जो ऑर्गेनिक फूड है उसी को खाएं, मतलब जिसमें केमिकल्स लगे होते हैं अब उस फूड को ना खाएं, तब भी आप एयर को सेव कर सकते हैं। वॉक बाइक और यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आप चले और बाइक का कम से कम यूज करें और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, आप किस प्रकार फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है बाय नॉट टीयरिंग और वेस्टिंग द पेपर विल कंजर्व फॉरेस्ट एज इट मेक बाय ट्री ओनली, आप पेपर को ना फाड़ कर और पेपर को वेस्ट ना करके भी अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं, क्योंकि जो ये कागज होते हैं ये हमारे ट्री से ही बनते हैं। गिफ्टिंग सैपलिंग ऑन एनी वंस बर्थडे और स्पेशल ओकेजन, ये कह रहा है कि अगर किसी का बर्थडे हो या कोई स्पेशल ओकेजन हो तो आप एक दूसरे को एक छोटे छोटे जो पौधे आते हैं वो आप गिफ्ट दे सकते हो, तब भी आप फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपको इस वर्कशीट में अपने आप से लिखने हैं कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर, जो फॉरेस्ट में फायर लगती है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उससे क्या होता है बहुत सारे हमारे पेड़ जल जाते हैं। नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नए नए पेड़ लगाना,
उससे भी हम जो फॉरेस्ट है कंजर्व कर सकते हैं। रेगुलेटेड एंड प्लांट कटिंग ऑफ ट्री, जो कटिंग ऑफ ट्री है वो प्लांट हो और रेगुलेटेड हो, क्योंकि प्लांट तो हमें काटने ही पड़ते हैं, क्योंकि हमें हमारी बहुत सारी चीज़ें ट्री से ही बनती है, लेकिन उसे अनियंत्रित रूप से ना काट के नियंत्रित रूप से काटा जाए कि जितने हमें जरूरत हो उतना ही काटा जाए, उसे अनरेगुलेटेड वे से ना काटा जाए। ठीक है बच्चों, तो ये सारा समझ में आ गया हुआ आपको। अब हम इसके क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वे रिसोर्स जिनको हम दोबारा से बहुत जल्दी से दोबारा से बना सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर, हम वाटर की वेस्टेज को किस प्रकार रोक सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब ये है कि हम किस प्रकार वाटर की वेस्टेज को रोक सकते हैं, तो आप ये पांचों पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सजेस्ट द वे फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, आप किस प्रकार फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हो, ये पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। पांच पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, आपको यही लिखने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, पांचों पॉइंट आप इसमें लिखेंगे इस प्रकार हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्स फॉर द फ्यूचर, रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है फ्यूचर के लिए। तो इसमें दिया रिसोर्सिस शुड बी कंजर्व टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड सेव देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन, रिसोर्सिस को कंजर्व करना जरूरी है ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे और हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें उन्हें सेव करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है बच्चे, पूरी वर्कशीट हमने डिस्कस किए बहुत ही ईजी वे से। आई होप यू विल लाइक दिस वर्कशीट सॉल्यूशन, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना उसके अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जो भी मैं नई वर्कशीट डालूँ उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।